17वीं लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, कुल 543 सीटों के लिए इलेक्शंस होंगे और 2 सीटें नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू। अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुल 552 मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हो सकती हैं लोकसभा में, लेकिन फिलहाल 545 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 543 पे इलेक्शंस होते हैं और 2 सीट नॉमिनेटेड होती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कितने तरीके के पार्टीज़ होती हैं, क्या बेसिस होता है इन पार्टीज़ को कैटेगराइज करने के लिए, और किस क्राइटेरिया पर डिसाइड किया जाता है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। बिफोर दिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम प्रदीप कुमार एंड वेलकम यू टू ईजी क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट के बेस्ट मेंटर्स द्वारा IAS एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और हमारे यहाँ GS फाउंडेशन के नए बैचेस भी स्टार्ट हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करा लें। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला है नेशनल पार्टी और दूसरा है स्टेट पार्टी। इनके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो कि अनरिकग्नाइज होती है लेकिन रजिस्टर्ड पार्टी होती है। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज़ के बारे में। देश में कुल 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। इसके लिए इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अकॉर्डिंग 3 क्राइटेरिया मेंशनड है। यहाँ पर पहला क्राइटेरिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा इलेक्शन में 3 स्टेट्स को मिलाकर मिनिमम 2% सीट जीतना पड़ेगा, जो कि इस समय 11 सीट्स हैं। अगला क्राइटेरिया है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 लोकसभा सीट्स के साथ साथ लोकसभा या राज्यसभा इलेक्शन में मिनिमम 6% वोट पाएगा, तभी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तीसरा और आखिरी क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 4 स्टेट या 4 रीजन में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हो, उसे भी हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं। तो इन 3 क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। रिसेंटली तृणमूल कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, जो कि अगस्त 2016 में मिला था। तो इसको मिलाकर देश में कुल 7 नेशनल पार्टीज़ हैं, जिसमें से है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। तो ये 7 पार्टियां हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज़ की। तो नेशनल पार्टीज़ की तरह इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 ने भी इनके लिए कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए हैं, जिनको फॉलो करने पर ही किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। तो अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ 52 ऐसी पार्टियाँ हैं जिनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अब हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर किसी को भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% सीट या कम से कम 3 सीटें जो भी ज़्यादा प्राप्त करती हैं, उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। दूसरा क्राइटेरिया है, यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या के किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है, तब जाके उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। तीसरा क्राइटेरिया जो मेंशन है, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य चुनाव में 6% मत प्राप्त करती हैं और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा जीतती हैं, तब उन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। चौथा और आखिरी क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है, वो ये है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, उनको किसी भी राज्य में 1 सीट मिले चाहे ना मिले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुल पड़े हुए वोट में से अगर उनको 8% वोट मिलते हैं, तब भी उनको एक स्टेट पार्टी होने का दर्जा मिल जाएगा। ये थे 4 क्राइटेरिया जिनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी होने का दर्जा मिल सकता है। मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट थोड़ा फिर से एलैबोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में लोकसभा इलेक्शन के लिए अलग अलग सीट्स होती हैं। जैसे कि मेघालय में लोकसभा इलेक्शंस के लिए 2 सीट्स हैं, तो वहाँ पर किसी भी पार्टी को अगर स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, तो उनको कम से कम 1 सीट जीतना अनिवार्य होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी स्टेट में अगर 50 सीट्स हैं, तो वहाँ पर किसी भी पार्टी को कम से कम 2 सीट जीतना अनिवार्य होगा। मतलब ये हुआ कि कम से कम 25 सीट पर अगर 1 सीट जीत रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तभी जाकर उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। जब कोई पार्टी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि पहला बेनिफिट तो यही है कि कोई भी पार्टी अगर स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो उनको अपने स्टेट में एक फिक्स सिंबल अलॉट हो जाता है, जिसके बेसिस पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसी तरह नेशनल पार्टी को भी पूरे कंट्री के लिए एक फिक्स सिंबल मिल जाता है, और उसी सिंबल से वो इलेक्शन पूरे देश में लड़ सकते हैं। दूसरा मेरिट इनको ये होता है कि इनको अपने वोटर्स का 2 लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है, ताकि ये देख सके कौन कौन वोटर्स हैं
नंबर ऑफ वोटर एग्जैक्टली देखने के लिए कितने हैं। अगला जो बेनिफिट है इनको नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स जैसे दूरदर्शन टेलीविजन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, इनको इन पर कुछ फिक्स स्लॉट्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर ये अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स नेशनल या स्टेट पार्टीज़ को मिलती है, जैसे कि इनके स्टार कैंपेनर होते हैं, इनको बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के अलावा एक तीसरे कैटेगरी की भी पार्टी होती है जो कि अनरिकग्नाइज्ड लेकिन रजिस्टर्ड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रजिस्टर्ड तो होती हैं लेकिन अपने इलेक्शन परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसी पार्टीज़ के एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। यहाँ तक कि 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसी लगभग 255 पार्टियों का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी मांग चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी पार्टीज़ पर अक्सर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का आरोप लगते रहते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इन इनएक्टिव पार्टीज़ को रिमूव करने का प्रोविजन भी है। आज के वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर GS फाउंडेशन के नए बैचेस स्टार्ट हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके रजिस्टर करा लें क्योंकि यहाँ पर सीट्स लिमिटेड होती हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।